हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कस्टमर की जगह कंज्यूमर लिखाएंगे और कंज्यूमर की जगह कस्टमर लिखाएंगे एग्जाम में तो आज उनके एक बेसिक डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारा रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में तो देखिए कस्टमर जो है वो वो पर्सन है जो प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में जाएगा खरीदेगा उसके लिए प्राइस भी पे करेगा प्लस कस्टमर जरूरी नहीं है कि वो उसका एंड यूज़र हो फॉर एग्जांपल मैं मार्केट जाती हूं और अपने बेटे के लिए टॉय लेके आती हूं ठीक है तो इसको एग्जांपल की तरह लेना टॉय लेके आती हूं और उसको क्या करती हूं अपने बेटे को दे देती हूँ तो मेरा बेटा जो है वो कंज्यूमर है यानी कि उसने फाइनली उस चीज को कंज्यूम करा वो एंड यूजर और मैं कस्टमर हूं क्योंकि मैं शॉपकीपर वाले के लिए क्या हूं कस्टमर हूं अब कंज्यूमर कौन है कंज्यूमर वो पर्सन है जो यहां पे क्या करेगा उस चीज को कंज्यूम करा यानी कि वो उसका क्या है एंड यूजर है फाइनली उसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा ठीक है